अक्सर आपने कानून का उल्लंघन करने पर इंसानों को हवालात की हवा खाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी हाथी को हवालात की कैद होते हुए देखा है? नहीं ना। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाते हैं जिसमें हाथी को भी खानी पड़ी हवालात की हवा। मामला नरसिंहपुर के गोटेगांव थाने का है, जहां परिवहन अवज्ञा ना मानने पर महावतो द्वारा ले जाए जा रहे हाथी को गोटेगांव पुलिस ने थाना परिसर में पुलिस कस्टडी में ले लिया। बताया जा रहा है कि परिवहन अवज्ञा जो वन विभाग द्वारा जारी की जाती है, वो महावतो के पास ना होने के कारण हाथियों को पुलिस कस्टडी में रखा गया है। इस दौरान बाकायदा हाथी का मेडिकल चेकअप भी कराया गया है। समस्या कुछ नहीं, जैसे थोड़े कागजात देखने के वजह से वो ले आए रहे। हाँ, तो कागजात देखे हैं, अब सब क्लियर है, तो देख दाख के उन्हें छोड़ दिया। कल वही 1 बजे करीब हाथी के लिए सर ने गन्ना बुलवाए और सब खर्चा पानी भी दिए और कोई दिक्कत नहीं ऐसी, कागज बस देख के और फिर छोड़ दिया। फिटनेस भी इसकी कराई गई है और वन विभाग ने भी बोल दिया कि क्लियर है। हाथी लेके बस भ्रमण करते हैं और इसका पेट पालन। झांसी घाट और बगलई दो हाथी थे, दोनों जाते हुए देखे। उस संबंध में जब उनके हाथी के जो परिचालक लोग थे उनसे बातचीत की गई, उनके पेपर्स देखे गए, तो उसमें एक परिवहन अनुज्ञा होती है जो वन विभाग जारी करता है, वो परिवहन अनुज्ञा के कागज नहीं थे। उन्होंने उसके लिए अप्लाई किया हुआ था वन विभाग के लिए, लेकिन उनके पास अभी ये कागज उपलब्ध नहीं थे, तो उनको एहतियातन सुरक्षा के नाते वो यहाँ थाना परिसर में ला कर खड़ा कर लिया गया है और वन विभाग को चिट्ठी लिखी गई है। अब निश्चित तौर पर हमारे पास यदि कोई आएगा तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो हमने कुछ गन्ना भी उड़वा दिया, उनके खाने की व्यवस्था करवा दिया था ताकि हाथी जानवर मुख प्राणी भूखा प्यासा ना रहे, उसकी व्यवस्था पर्याप्त कर दिए थे। हाथी को कोई बीमारी ना हो, कोई इन्फेक्शन ना फैल जाए, इसलिए भी उसका परीक्षण करा लिया गया था। हालांकि हाथी को कैद करने के चक्कर में गोटेगांव थाना पुलिस को हाथी की जमकर खातिरदारी भी करना पड़ी और हाथी के भोजन की भी व्यवस्था करनी पड़ी। वहीं हाथी को हवालात की जानकारी आग की तरह वायरल हो रही है और खूब सुर्खियां बटोर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, नरसिंहपुर।